अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सोच रहे होंगे आपकी ये क्या है, तो ये बन रही हैं टिकिया, ये मीठी टिकिया बन रही हैं। सबसे पहले तो अम्मी ने आज बहुत यमी यमी वाली खीर बनाई है, ये नाश्ता बन रहा है तो खीर बन गई है यमी वाली, और साथ में बनेंगी टिकिया। तो ये थिक सी होती है, एकदम क्रिस्पी सी, बिस्किट्स की तरह होती हैं ये, और ये खीर के साथ खाते हैं। तो ये देखिए, ये इसका डो है, ये सारी इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे हमने इसको ना इस तरह आटा जैसे हम गूंथते हैं ना, तो ये इसका डो बन गया है, सॉफ्ट सा डो है। इसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ना है, फिर इसको अम्मी बेल लेंगे, और फिर उस पर जो भी शेप्स की चाहिए, जैसे गोल शेप्स की बनती हैं तो राउंड वाला शेप्स, देखें यहाँ पर हमने शेप कर दिया है उसको। और अब इसको फॉक से जो है इस तरह प्रिक कर रहे हैं, क्योंकि इसको फुलाना नहीं है, तो इस तरह करने से ये फूलेंगी नहीं। और फिर ऑयल में जो है स्लोली इसको फ्राई करना है, दोनों साइड से इस तरह गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बन रही हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर हम जाएंगे बाहर। तो हम घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं उमरकोइन। तो ये जो यूएई है, यहाँ पर 7 सिटीज़ हैं, 7 एमिरेट्स हैं। तो जैसे अब हम शारजा में हैं, तो शारजा के बाद आता है अजमान, और अजमान के बाद आता है उमरकोइन। शारजा से जाने के लिए हमें लगता है हार्डली 30 मिनट्स, आधा घंटा लगता है। तो हम उमरकोइन जा रहे हैं, और उमरकोइन से जो है बहुत सारी मेमोरीज़ हैं हमारी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया है अपना, बहुत सारे साल। तो उमरकोइन में जो है हमने आई थिंक 14 या 15 साल हम उमरकोइन में रहे हैं। स्कूल भी हमारी वहीं पर हुई है, स्कूलिंग वगैरह, तो वहाँ पर जब भी हम जाते हैं तो हमारी स्कूल है, फिर पुराना वाला घर, और हर जगह से बहुत ज़्यादा मेमोरीज़, मतलब ये है। तो हम जब भी जाते हैं तो वहाँ जाने का एक्साइटमेंट बहुत अलग होता है, वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये देखिए, यहाँ हम एंटर कर रहे हैं उमरकोइन, और आज मैं आपको अपनी स्कूल भी दिखाऊँगी। तो किसी दिन जब हम आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है दिखाने के लिए, जैसे हमारी स्कूल हो गई, हमारा पुराना वाला घर हो गया, हम यहाँ पर जब रहते थे तो कहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते थे, और अच्छी अच्छी जगह। लेकिन अभी जो है हम कुछ काम से जा रहे थे, तो मैं कहा आज जो है हम स्कूल की तरफ से जब जाएंगे तो मैं अपनी स्कूल को भी जो है रिकॉर्ड करूँगी, फिर अपने किसी व्लॉग में उसे शेयर करूँगी। तो मैं आज आपको अपनी स्कूल दिखाऊंगी। और शारजा में जो है ना, हम पहले जब हम छोटे थे तब हम शारजा में थे, कुछ 5-6 साल हम शारजा में थे। जैसे मेरी बर्थ भी शारजा में ही हुई है, मेरा जो भाई है उसकी बर्थ भी शारजा में हुई है। फिर हम शिफ्ट हो गए थे उमरकोइन शारजा से, और वहाँ पर हमने कुछ 14-15 साल हम वहाँ रहे हैं। और अभी फिर से अभी आई थिंक ये दो तीन साल हुए हैं कि हम अभी यहाँ वापस शारजा आ गए हैं। तो यहाँ पर देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर ये इसी वाले रास्ते और ये सारी चीज़ों पे हम बहुत बार गए हैं, जैसे हमेशा ही होता था यहाँ से आना जाना, तो यहाँ हमें आना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये है स्कूल। तो ये जो वॉल आप देख रहे हो सीधा, ये पहली हमारी स्कूल है, और वो जो एंड पार्ट है वो उसका बैक साइड, वहाँ पर गेट्स वगैरह है बस के लिए,
और ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट, ये सामने वाला हिस्सा है स्कूल का। तो ये देखें, अभी तो वैसे हर चीज़ बंद है, स्कूल वगैरह भी। अभी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे ये जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है बच्चों का स्कूल जाना, घर से निकलना, हर चीज़। तो ये अभी स्कूल वगैरह इसलिए बंद है, जैसे आलिया की भी अभी छुट्टी है, ये समर वेकेशन चल रहे हैं, और फिर कोरोना भी है तो अभी स्कूल इतनी स्टार्ट भी नहीं हुई है, ऑनलाइन ही चल रही थी। तो फिर ये देखें, स्कूल के पास से हम गुजर चुके हैं, और आप मुझे बताएं, आप भी जब जाते हैं स्कूल के पास से तो आपको भी वो सारी मेमोरीज़ याद आती होंगी स्कूल डेज़ की, जो गोल्डन डेज़ होते हैं हमारे, मतलब बहुत अच्छे टाइम होता है वो। तो बस मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वहाँ से, जब हम जाते हैं, जब स्कूल्स वगैरह देखते हैं तो वो पुरानी वाली मेमोरीज हैं वो सारी रिफ़्रेश हो जाती हैं। और ये देखिए, ये है यहाँ का मार्केट वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है ना, ये जमैया है इसका नाम है, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। जो भी काम है ना, हम यहीं पर आते थे, जैसे यहाँ पर बुक शॉप भी है, कपड़े की दुकानें भी हैं, सैलून भी हैं, फार्मेसी है, ज्वेलरी की दुकान है, मतलब हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया भी है। तो जब भी हमें कुछ काम होता था हम यहीं पर आते थे, जमैया आते थे हम। और ये यहाँ का मार्केट वाला एरिया है। और उमलकुएन में ना, जैसे यहाँ यूएई में कहीं भी जाओ ना, तो कड़क चाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, दूसरी जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर यूएई में कहीं भी आप जाओ और कड़क चाय पियोगे ना, तो आपको मतलब वो अलग ही लगती है, वो घर में तो बनती है लेकिन जो कड़क चाय मिलती है वो उसकी मतलब वो कुछ और ही होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे अबू धाबी में भी है, शारजा में, अजमान में, हर जगह पर कड़क चाय की शॉप्स है, लेकिन कंपेयरिंग टू यूएई में मतलब सबसे ज़्यादा जो कड़क चाय की शॉप्स है ना वो उमलकुएन में है। तो अब हम यहाँ आए थे, हमारा काम वाम भी हो गया था जो भी, तो हमने कहा अब जा रहे हैं यहाँ से, तो एक कड़क चाय हम पीते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हम शाम में ही हम कैफेटेरिया के पास रुके हुए थे, चाय हमने ऑर्डर की हुई थी, चाय हमारी आ रही थी, और उस वक्त ये मगरिब का थोड़ा सा टाइम हो रहा था, और मौसम जो है वो बहुत अच्छा सा हो गया था, इस टाइप का ये ब्यूटीफुल सा सीनरी व्यू हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। और बस ये था आज का वीडियो। एक्चुअली हम आज कुछ काम से गए हुए थे, तो इतना ज़्यादा उमलकुएन जो है मैं आपको मैंने नहीं शो किया, वरना बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ बस बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं यहाँ पर। तो ये था वीडियो, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में आके बताएं, लाइक करें। सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।